शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों के सितारे में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और बाजारों के सितारे में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कम्युनिटी बाजार, शेयर बाजार और आज का राशिफल। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहां पर आज के राशिफल से, और आज का राशिफल जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मांगेराम सीवी पर। अखिलेश शाठी जी एवं मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल और मार्केट टाइम्स टीवी के संयुक्त प्रयासों से ये शो प्रसारित हो रहा है। आज 21 फरवरी सन 2022 कारोबारी सप्ताह का पहला दिन सोमवार। सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में यानी 4 एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया है, विभक्त किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की 3 राशियां 1, 5 और 9 जो त्रिकोण हो की राशियां हैं, यानी मेष, सिंह और धनु राशि। ये हॉरोस्कोप के अंदर धर्म के कॉलम माने जाते हैं। 12 कॉलम जो है, 12 जो भाव हैं, उसमें पहला, पांचवा, नौवा भाव हमेशा धर्म से संबंधित है, यानी व्यक्ति कितना अपने काम में लगन से काम करता है, कितना ईश्वर में विश्वास रखता है और अपने कार्य के प्रति कितना समर्पित होता है, इसमें बैठे ग्रह निर्धारित करते हैं। तो 1, 5, 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि आज मिश्रित्व की तरफ इशारा कर रहे हैं। 3 से 4 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। 2, 6, 10 यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशियां हैं और दूसरा जो है धर्म के बाद होता है अर्थ। यदि किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में हमें उसकी धन की स्थिति देखनी है, उसकी प्रॉस्पेरिटी देखनी है, समृद्धता देखनी है, तो दूसरा, छठा और दसवां भाव हमें देखना चाहिए। उसमें आप बैठी हुई शुभ राशियां अवग्रहों का आपसी संबंध निर्धारित कर देता है, बता देता है कि उसकी आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत है। आज लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं। 2 से 3 बजे के बीच में अतिरिक्त सावधानी रखिए। 3, 7, 11 ये है वायु तत्व की राशियां, यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि मिश्रित रूप की तरफ इशारा कर रही है। 1 बजे से 2 बजे के बीच में रखिए अतिरिक्त सावधानी। 4, 8, 12 यानी कर्क राशि और मीन राशि आज दिन संभवतः मुफीद नहीं है, परेशानियां बढ़ सकती है, 1 से 2 बजे के बीच में रखिए अतिरिक्त सावधानी। जी अखिलेश जी। जी गुरु जी, इसी के साथ कर्नल जी बात करें यहाँ से अगर अब कम्युनिटी बाजार की, तो कम्युनिटी बाजार में सबसे पहले आपसे कृषि फसलों के ऊपर चर्चा करना चाहूंगा और कृषि फसलों में भी सबसे पहले मसालों के ऊपर। कर्नल जी, आप पहले भी मसालों में व्यूअर्स को काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं, उनको मुनाफा भी हुआ है काफी अच्छा। हमारे पास काफी सारे कमेंट्स भी आते हैं कि कर्नल अजय जी का धनिया के ऊपर, जीरे के ऊपर, हल्दी के ऊपर राय जरूर लें और आपकी उस राय से लोगों को काफी फायदा भी पहुंचा है। कर्नल अजय जी, अब यहां से आपको क्या लगता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि धनिया भी लगातार तेजी की ओर है, जीरा 22,500 तक का लेवल दिखा चुका है और हल्दी में भी 200 पॉइंट की तेजी दर्ज की जा चुकी है, तो ऐसे में क्या यहां से अब मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए, क्या यहां से मसालों में अब बचना चाहिए? कि जहां तक हम बात करें, ये 11,266 का नेक्स्ट फॉरवर्ड वायदा और 11,189 का करंट वायदा जो है कोरिएंडर का एनसीडीएक्स पे है, और एनसीडीएक्स के ऊपर विदेशी मांग के अंदर भी अच्छी होनी चाहिए और पोजीशन बड़ी टाइट है। यहां तक इंटरडे ट्रेडिंग के अंदर है तो उतार चढ़ाव की संभावनाएं बन सकती है, लेकिन जो फिजिकल ट्रेडिंग के अंदर धनिया के ऊपर जो ट्रेडर है उनको बिकवाली से बचना चाहिए, क्योंकि इन स्तरों के ऊपर जो छोटी मोटी बिकवाली तो संभव है, लेकिन बड़ी बिकवाली से बचना चाहिए। और दूसरा सवाल आपका ये था जीरा। जीरे में देखिए 22,500 और 22,720
ये इस पर जीरे ने लगा दी है और जो लगभग 13-14 हजार से अब ये 22,500 से ऊपर के जो भाव हैं, तो दर्शकों ने इसका भरपूर लाभ भी उठाया होगा और जिसका भी अब अपडेट भी हमने दिया है कि, लेकिन जीरे के अंदर जहां तक सवाल है कि यदि कारोबारी या व्यापारी छोटी अवधि का कारोबारी है और उसने 13-14 हजार पे जीरा खरीदा हुआ है तो उसमें कुछ मुनाफा उसको वसूल कर लेना चाहिए, क्योंकि हमेशा ये रहता है कि समय पर यदि मुनाफा वसूली नहीं कर पाते हैं और फिर जरा सा भी उतार चढ़ाव होते हैं तो फिर उसको बाद में पछताना पड़ता है। एक साइजेबल प्रॉफिट आने पर हमेशा कारोबारियों को कुछ मुनाफा हमेशा बुक करना चाहिए, ये व्यापार और कारोबार का एक नजरिया है। और उसका महंगा बिकेगा, सस्ता आएगा, सस्ता बिकेगा, महंगे की अच्छी बड़ी लाभ की उम्मीद में वो अच्छे लाभ भी ना कमाए तो वो देखिए उचित नहीं होता है। तो जीरे के अंदर अच्छी मूवमेंट बन गई है, इसके अंदर थोड़ा सा लेना चाहिए। और तीसरी एक कम्युनिटी जो हम चर्चा करना चाहते हैं पल्सेस के ऊपर भी, पल्सेस के अंदर क्योंकि नई फसल बिल्कुल आ गई है और एक अपडेट मैं देना चाहता हूँ मूंग के ऊपर, मूंग के ऊपर लगभग 50,000 टन मूंग का इम्पोर्ट होना था और पहले मूंग को फ्री इंपोर्ट के दायरे में रखा गया था, लेकिन 12 फरवरी को सरकार ने मूंग को फ्री इंपोर्ट से हटाकर रिस्ट्रिक्टेड यानी प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया गया है जी। और इससे लगभग 50,000 टन के लगभग 1,400 कंटेनर्स जो हैं बंदरगाहों पर स्टक हो गए हैं, क्योंकि नई पॉलिसी के मुताबिक उनको मार्च तक माल लेना ही डिलीवरी करना है और उनके लिए वो अभी संभव हो नहीं रहा है। इसे पल्सेस एसोसिएशन और सभी लोगों के बीच में बड़ा हड़कंप है। तो मूंग दाल के ऊपर भी हम जैसे पल्सेस के ऊपर बात करते थे तो मूंग के ऊपर विशेष ख्याल रखें, इसके अंदर कमजोरी की संभावनाओं से इनकार किया जाता है और इसमें तेजी बनेगी। सरकार ने ये कदम किसानों को अच्छे दाम मिले संभवतः इसके नजरिए से यह रखा गया है और किसानों को इसको फायदा मिले ऐसी हमारी उम्मीद भी है। तो मूंग के जो व्यापारी हैं, पल्सेस के व्यापारी हैं, वो विशेष ख्याल रखें। जी अखिलेश जी, जी इसी के साथ कर्नल जी बात करें यहाँ से अगर आप ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार गम गवा सीड में देख रहे हैं कि आज कुछ करेक्शन थोड़ी थोड़ी बनती नजर आ रही है ऊपरी स्तरों से, आपको क्या लगता है क्या ग्वार गम गवा सीड में यहाँ से मुनाफा वसूली अभी थोड़ी और गहरा सकती है, क्या बचना चाहिए अभी ग्वार गम गवा सीड में? 6342 के जो भाव थे एक अच्छे भाव हैं। और दूसरी चीज देखिए जो छोटी अवधि के, क्योंकि हम कारोबारियों को तीन श्रेणियों में विभक्त करते हैं, एक जो इंपोर्टर हैं या एक्सपोर्टर्स हैं या स्टॉकिस्ट हैं और वो माल रोक के रख के अपनी आगे आवश्यकताओं के अनुसार से भंडारण करते हैं, दूसरे वो व्यक्ति जो गवार सीड के छोटे कारोबारी हैं या फिर किसान हैं, और तीसरे वो जो कि उन्हें ना सेल से मतलब है, ना बाइंग से मतलब है, ना इंपोर्ट से मतलब है, ना एक्सपोर्ट से मतलब है, वो तो सिर्फ एनसीडीएक्स में ही तेजी मंदी करते हैं। जो एनसीडीएक्स पे तेजी मंदी करते हैं फिजिकल मार्केट से उन्हें कुछ मतलब नहीं है, उनके लिए अलग स्ट्रेटेजी होगी। और जो इंपोर्टर्स हैं या गवार गम का एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यातक हैं, उनको अपना माल एक्सपोर्ट के आधार पर अगले 2 महीने के ऑर्डर के मुताबिक खरीदना पड़ता है। तो जहां तक इंटरडे ट्रेडिंग के अंदर है, वॉलिटिलिटी की संभावनाएं बनती है, जो एनसीडीएक्स पे खाली काम करते हैं उनके लिए आज वॉलिटिलिटी रहने की संभावना है। जी अखिलेश जी, इसी के साथ कर्नल जी बात करें यहाँ से अगर आप नॉन एग्री की, तो नॉन एग्री कम्युनिटीज में आपको क्या लग रहा है, क्योंकि देख रहे हैं कि सोने चांदी पर भी जियोपॉलिटिकल टेंशन का दबाव है, कच्चा तेल भी यहाँ से फिसल चुका है, ऐसे में अब कच्चा तेल और सोने चांदी में क्या संभावनाएं बन रही है? देखिए आज हम सोने चांदी पर चर्चा अवश्य करेंगे, अभी जहाँ जियोपॉलिटिकल टेंशन यूक्रेन और यूक्रेन के मसले को लेके अमेरिका और रशिया के बीच में जो तनातनी चल रही है, पुतिन ने भी ये स्पष्ट किया है कि वो समझौता वार्ता या टेबल टॉक करने में आमादा है और वो करना चाहता है। और आज सबसे महत्वपूर्ण जो होगा कि 20-21 तारीख है, 21 तारीख का समापन हो रहा है और अब चाइना फुल
गणेश आने वाले 3 से 5 दिन के अंदर अपना रुख इन महाशक्तियों के साथ करेगा। मुझे लगता है वो एक निर्णायक मोड होगा। और जैसे पहले भी आपको हमने कहा था कि जब भारतीय मीडिया बिल्कुल 1 घंटे में हमले की बातें कर रहे थे और तकरीबन सारी चीजें किए थे, आपने भी एक बड़ा सवाल पूछा था कि मीडिया जो है वो बिल्कुल हमला दिखा रहा है अलग 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 अलग, तो उस वक्त भी हमने यही कहा था कि आपको 20 तारीख से पहले 21 तारीख से पहले कुछ भी होने की संभावना नहीं है, क्योंकि चाइना में विंटर ओलंपिक है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बहुत बड़ा आयोजन होता है। कोई भी देश जहाँ पे ये आयोजन होता है वहां पे किसी भी प्रकार का व्यवधान या रुकावट नहीं चाहता है। इसको देखते हुए जो भी कार्रवाई होगी वो 20 तारीख के बाद ही होगी, 21 तारीख के बाद ही होगी, क्योंकि चाइना सबसे पहले अपना रुख दोनों महाशक्तियों के साथ क्या रहेगा या वो न्यूट्रल रहेगा, इनके ऊपर एक विशेष वो है। और मुझे लगता है कि चाइना जो है रशिया के साथ ही अधिक जाने की संभावना नजर आती है, और रशिया के साथ में यदि चाइना का रुख हो जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर जियोपॉलिटिकल टेंशन में जबरदस्त इजाफा होने की संभावना बन रही है, और इसका सीधा सीधा असर कच्चे तेल के ऊपर और सोने चांदी के ऊपर पड़ने की संभावना है। चांदी को भी छोड़ने तो सोने पे तो पड़ने की संभावना है। अतः बहुत महत्वपूर्ण होगा, अभी शांति से वेट एंड वॉच की स्थिति है, लेकिन गोल्ड को शॉर्ट करने से बचना चाहिए, यानी गोल्ड में बिकवाली करने से बचना चाहिए। अभी लगभग 200 रुपए की गिरावट गोल्ड में दिखाई दे रही है एमसीएक्स के ऊपर, मुझे लगता है कि यहाँ से शॉर्ट यानी बिकवाली करने से बचना चाहिए। यही मेरा रुख है नॉन एग्रो कमोडिटीज के ऊपर, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है, खासकर बुलियन के अंदर तेजी मंदी का, क्योंकि बुलियन हमेशा यानी स्पेशली गोल्ड नजरिया रखता है हमेशा से ही जियोपॉलिटिकल टेंशन के अंगेज हेज करने के लिए, तो ये महत्वपूर्ण रहेगा। जी अखिलेश जी। जी कर्नल जी, इसी के साथ कर्नल जी बात करें यहाँ से अगर अब स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट आज कैसा रह सकता है और किन स्टॉक्स में आज कितनी तेजी मंदी देखने को मिल सकती है? यहाँ पर शेयर बाजार का सवाल है। देखिए निफ्टी में बहुत अच्छे लेवल से नीचे गिरा और उसके बाद निफ्टी के अंदर अब रिकवरी की संभावनाएं से इनकार नहीं किया जा सकता। खासकर मेटल सीमेंट स्टॉक्स के ऊपर नजर रखी जा सकती है, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स पे नजर रखी जा सकती है, ऑयल पेंट के ऊपर सेक्टर्स पे नजर रखी जा सकती है, बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर भी नजर रखनी उचित रहेगी। गौरतलब है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने लगातार भारत से पिछले एक साल में 1 लाख करोड़ से ऊपर की बिकवाली की है, और गौरतलब है ये पिछले 7-8 साल में सबसे बड़ी बिकवाली है, और इतनी बिकवाली सन 2008-09 के अंदर जब विश्वव्यापी मंदी आई थी तो भी नहीं की थी, और सन 2019-20 की जब पूरे वर्ल्ड के अंदर हाहाकार कोविड को था उस वक्त भी यदि सालाना बिकवाली की देखी जाए तो वो भी इतनी नहीं थी, लेकिन जो करंट ईयर है इसमें 1 लाख करोड़ से ऊपर की बिकवाली का मतलब एफआईज का एक शुभ संकेत नहीं है। और एक और महत्वपूर्ण बात, भारत का अभी तक का सबसे बड़ा आईपीओ एलआईसी लाने की योजना बना रहा है, जिसका आवेदन भी दिया जा चुका है, और ग्रे मार्केट की हम बात करें तो वहां पर एलआईसी आईपीओ को डिस्काउंट मिल रहा है लगभग 3 से 5%, तो इन सबको नजर रखते हुए बाजारों के अंदर वॉलिटिलिटी रह सकती है, और संस्थागत निवेशक भी, घरेलू संस्थागत निवेशक भी बड़ी खरीदारी से बच रहे हैं, तो इन सबको देखते हुए बाजारों में वॉलिटिलिटी रह सकती है जब तक ये जियोपॉलिटिकल टेंशन स्टेबलाइज नहीं होगा। लेकिन अच्छी क्वालिटी के शानदार स्टॉक्स आपको मिलते हैं तो उसको आप खरीदिए, चाहे वो टाटा स्टील हो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, SBI हो, इनके ऊपर नजर रखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त आप डाटा इंडिया और लिकर स्टॉक्स, क्योंकि अब सारे कोविड की रिस्ट्रिक्शन लगभग हट चुके हैं, तो लिकर स्टॉक जो है चैनडी को केतान है या फिर यूनाइटेड ब्रेवरीज है, इनके ऊपर भी नजर रखी जा सकती है, और इसके अंदर छोटी अवधि के लिए निवेश किया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात, ये सभी जानकारियां आपको फंडामेंटल एनालिसिस और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के सही प्रयासों से आपको बताई जा रही है। किसी भी प्रकार का निवेश या ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले स्वयं के अध्ययन विवेक का जरूर इस्तेमाल कीजिए। किसी भी प्रकार का नफा या नुकसान की जिम्मेदारी ना चैनल ना मार्केट विशेषज्ञ
की होगी। ये इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर सभी फाइनेंशियल शो के लिए एक लाजमी होता है, एक आवश्यक होता है, इसका भी विशेष ख्याल रखें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। जी तो आज कुछ ऐसा रह सकता है शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार और आज आपका राशिफल। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल बाजारों के सितारे में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।